प्रदेश भाजपा द्वारा बुधवार को सभी जिले के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए कर्मठ जुझारू व स्वच्छ छवि के नूह निवासी नरेंद्र पटेल को भाजपा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लिस्ट जारी होते ही भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के साथ पार्टी जिला कार्यालय पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जिस उम्मीद के साथ पार्टी कमान सौंपी है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। जिले में भाजपा संगठन का अधिक विस्तार करने के साथ हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट, संदीप जोशी, संजय भाटिया, वेदपाल एडवोकेट, सांसद राव इंद्रजीत सिंह, सांसद कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व सांसद सुधा यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, गो सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, सोहना तावड़ू विधायक कंवर संजय सिंह, पलवल विधायक दीपक मंगला, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप देशवाल, जिला प्रभारी डीसी यादव, लोकसभा प्रभारी दिनेश धिल्लोड़ सहित पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में नूह जिले की तीनों विधानसभा नूह, पुनाना व फिरोजपुर झिरका में कमल का फूल खिलाने का वादा किया है और उन्होंने कहा है कि जिस बंजर जमीन पर अभी तक कमल का फूल नहीं खिल पाया है उसमें एक नया इतिहास रचा जाएगा। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद हुसैन चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन ताहिरा अजमत, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश बघेल और पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सारे के सारे कार्यकर्ताओं का आभार जताया है और सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र जी का पूरी तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। न्यूज रूम से जुबैर खान की रिपोर्ट। पार्टी से जुड़े हुए हैं विधानसभा एक विषय बीजेपी नहीं जीत पाई है, आप कैसे? देखिए, आप दीपक जी जानते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी का मुझे ध्यान है कि 96 में जब सरकार बनी थी तो मैं बंसीलाल जी के साथ मिलकर के सरकार बनी थी। उस समय में हमारा जनाधार ऐसा था कि हम अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे और उसके बाद हमने समय समय पर पार्टी ने कई गठबंधन किए लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन जब से केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से लोगों में एक अथाह विश्वास हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी आज उस मुकाम पर है और उसी का परिणाम है। जब 14 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो हमारी 47 सीटें हम जीते थे और इस बार भी लोकसभा की हम सभी सीटें हमने जीती हैं और हमारा जो जनाधार है, पहले की जो वोट परसेंट है, आप मेवात क्षेत्र को ही अगर देखें तो हम एक दो सीटें तो बहुत कम मार्जिन से हम आ रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम आगामी चुनाव के अंदर में, विधानसभा के चुनाव के अंदर में, तीनों विधानसभा की सीटें सभी साथी सभी कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सहयोग से हम मेवात की नूह पुनाना और फिरोजपुर झिरका तीनों विधानसभा की सीटें हम यहां सर जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी को और प्रधानमंत्री जी को भी हम उनकी झोली में यहां से तीन कमल खिला करके उनकी झोली में डाल। पटेल जी, पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, आपको क्या कहना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, हमारे पार्टी के तीनों महामंत्री, हमारे संगठन मंत्री माननीय सुरेश भट्ट जी, सांसद राव इंद्रजीत जी, विधायक संजय जी, बहन सुधा यादव जी राष्ट्रीय मंत्री, विधायक दीपक मंगला जी,
और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी की जो जिम्मेवारी दी है, मैं इसको पूरी मेहनत और लगन के साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी पार्टी के कार्यों को सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा मेहनत और लगन के साथ पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार करने का प्रयास करूंगा। मैं पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी है से लगातार पार्टी ने मुझे विभिन्न जिम्मेवारियां दी हैं। 1977 में भी जनता पार्टी के साथ रह कर के काम किया है और पार्टी ने जिस प्रकार की जो जिम्मेवारी मुझे दी हैं, मैंने अपनी तरफ से उसे बेस्ट करने का प्रयास किया है। पार्टी ने मुझे पुराना कार्यकर्ता होने के नाते और कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से, नूह कस्बे की तरफ से पार्टी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं जिले के, सबकी तरफ से शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे जिम्मेवारी दी। मैं सभी साथियों के साथ मिलकर के काम करूंगा और मैं जिला अध्यक्ष हूं ऐसी बात नहीं है, हमारे पार्टी के सभी साथी जिला अध्यक्ष के नाते मिलकर के काम करेंगे, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और पार्टी का जनाधार बढ़ाने में पहले भी सभी लोगों ने काम किया है, मैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करूंगा और एक बार पुनः शीर्ष नेतृत्व का और जितने भी संगठनों ने इसमें मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है उनको निराश नहीं होने दूंगा और एक बार पुनः मैं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी हमारे साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ।